सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, सीएससी के एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें हर भीएलई को अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, साथ ही साथ अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको एडिशनल सर्विस भी मिल सकती है डीजीपे में, जैसे बैलेंस इंक्वायरी की सर्विस या डिपॉजिट विड्रॉल की सर्विस। ये सभी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। तो मैं हूं अमर, आप देख रहे हैं टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं हो सके तो यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस छोटे से नन्हे से बेल आइकन नोटिफिकेशन को अलाउ जरूर कर देना, और हम जो भी वीडियो देते हैं उसको लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना। इस अपडेट को पाने के लिए आज आप अपना डीजीमेल में आओगे। कल की डेट में आपको एक न्यूज़लेटर मिला होगा, डीजीपे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। सिंपली दोस्तों, आप इस इमेज पे व्यू इमेज करना, ये इमेज आपके सामने खुल जाएगा। अब आप पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। अटेंशन व्यूअर्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड योर आईडी एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल। इट कैन बी अपलोडेड ऑन द बिलो यूआरएल register.cc.gov.in/myaccountlogin। यानी कि बताया जा रहा है आपको अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ सीएससी के अंदर अपलोड करना है, या अपलोड आप जो है register.cc.gov.in पे माई अकाउंट के अंदर लॉग इन करके कर सकते हैं। दिस विल इनेबल वीएलई टू एक्सेस द प्रोवाइड एडिशनल फंक्शन सर्विस थ्रू डीजीपे। यानी कि दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा काम डीजीपे के अंदर करने को मिल जाएंगे। ये एक्स्ट्रा काम हो सकता है बैलेंस इंक्वायरी का और एईपीएस में विड्रॉल का, क्योंकि डीजीपे ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बताया था कि डीजीपे जल्दी ही एईपीएस विड्रॉल की सुविधा शुरू करने वाली है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये सुविधा मिलने की ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल डीजीपे एंड डिजिटल सेवा पोर्टल यूजर्स वेली नॉट कॉपलिंग फॉर दिस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है काम करने के लिए अलाउड नहीं होगे और डीजीपे का उपयोग नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ ये जो है डिजिटल सेवा पोर्टल के सभी यूजर को करना जरूरी है, और जो डीजीपे चलाते हैं उनको तो 110% करना ही है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आप किसी एक को अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपके पास जॉब कार्ड है नरेगा का तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको आ जाना है register.cac.gov.in के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप आएंगे माई अकाउंट के अंदर, आपको क्लिक करना है माई अकाउंट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपनी सीएससी आईडी और कैप्चा डालनी है। सीएससी आईडी आप अपना ले लीजिएगा, सीएससी आईडी आप अपना डाल दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना सीएससी आईडी लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में मेरे को अपना सीएससी आईडी याद नहीं है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा समय दीजिएगा, यहाँ पे सिंपली मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ, एंड लॉग इन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें यहाँ से मेरी सीएससी आईडी दिख जाएगी। सीएससी आईडी को मैं कॉपी करता हूँ, और ये जो ब्राउजर है आपको क्रोम का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है लॉग इन करने के लिए आपको अपना बायोमेट्रिक कनेक्ट रहना पड़ता है, यानी कि आपका जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो आपके ब्राउजर से कनेक्ट रहना चाहिए, तभी जाकर आप इसको लॉग इन कर पाओगे। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट करना है, कन्फर्म, और उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सीएससी के द्वारा एक ओटीपी भेजा जाता है। ये जो ओटीपी होता है अकाउंट लॉगिन ओटीपी होता है, तो आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा, उस पर सीएससी के द्वारा ओटीपी भेज दिया गया होगा। दोस्तों, इस ओटीपी को आने में थोड़ा बहुत समय भी लग सकता है, तो आपको वेट करना है। सो फ्रेंड्स, मेरे केस में मेरे को ओटीपी मिल चुका है। इस ओटीपी को आने में थोड़ा समय लगा था, लेकिन यहाँ पे ओटीपी मिल चुका है। तो जो ओटीपी आपके ईमेल पे आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना होगा, और दर्ज करने के बाद दोस्तों जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कैप्चा भी आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। तो चलिए हम कैप्चा इंटर करते हैं, उसके बाद हम सिंपली आई एक्सेप्ट पे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पे आ जाएगा लॉग इन पेज पे, और यहाँ पे जो है आपका बायोमेट्रिक डिवाइस स्कैन करेगा कि आपका बायोमेट्रिक डिवाइस आपके सिस्टम में कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगा सकता है। यहाँ पर हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट है, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट कैप्चर पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस का लाइट जल जाएगा, इस पर हमको फिंगर रख देना है। फिंगर रखेंगे, यहाँ पे वैलिडेट फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट जैसे ही वैलिडेट होता है यहाँ पे हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अभी सीएससी ने क्या कहा था, तो सीएससी ने हमें कहा था अपने नोटिफिकेशन में कि हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, तब जाके सीएससी हमें डिपॉजिट विड्रॉल की सुविधा देगा, बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा देगा, और हर गली को करना ये जरूरी भी है।
तो यहाँ पे चलिए हम आते हैं वापस से और आते हैं यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन केवाईसी डॉक्यूमेंट। सिंपली हम केवाईसी अपडेट पे क्लिक करते हैं। केवाईसी अपडेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बता देगा कि केवाईसी कैसे अपडेट करना है। तो सिंपली आपको आ जाना है तीसरा ऑप्शन में और तीसरा ऑप्शन में है केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो सिंपली आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप केवाईसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा आपके पास क्या है, क्या आप अपलोड करना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैं आधार कार्ड अपलोड करूंगा। आपका जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड करता हूँ। यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है आपका 80 KB के बीच होना चाहिए, यानी 10 KB से 80 KB के बीच आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा कितना KB का है। यहाँ पे ये हमारा फाइल है, इसकी प्रॉपर्टीज पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये जो है हमारा फाइल 300 KB का है, तो इसे हमको रिसाइज करना होगा, इसे हमें कम करना होगा। तो इसके लिए हम जो आ सकते हैं यहाँ पे इमेज रिड्यूस। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तो आप सिंपली यहाँ पे इमेज रिड्यूसर पे आ जाइएगा और यहाँ पे आप जो है सिंपली रिड्यूस कर पाइएगा किसी भी इमेज को। जो भी इमेज है उसका साइज आप जितना भी चाहें उतना कम कर सकते हैं। बताया जा रहा है 80 KB के अंतर्गत आपको बनाना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सबसे आसान तरीका कि आप 80 KB के अंतर्गत कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे आ सकते हैं, अपलोड एंड रिसाइज पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि ये कैसे वर्क करेगा। अपलोड एंड रिसाइज अनदर इमेज पे हमको क्लिक करना है। अगर आप पहली बार आते हैं तो आपको सिंपली ऑप्शन दिखेगा अपलोड एंड रिसाइज। NSDL की ऑफिशियल पैन कार्ड की एजेंसी, अब आप भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको पैन नंबर मिलेगा 3 दिन में और पैन कार्ड बहुत ही आसानी से बहुत फास्ट आप बना सकते हैं। तो एजेंसी लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस एजेंसी की जो कीमत आएगी आपको 2000 रुपए की आएगी इमेज का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है जिस वजह से टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है ये अपलोड करने को आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका ये खुल जाता है। आपको फाइल सेलेक्ट करनी है जिसको आप कम करना चाहते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये फाइल हमारा अपडेट हो चुका है और अपडेट होने के बाद आप इसको कितना कंप्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करनी होती दोस्तों। अगर आप इसके पिक्सल वगैरह को कम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड है, इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम अभी इसका 90% रखते हैं तो इमेज मेरा बनेगा एस्टिमेटेड 400 KB का, यहाँ पे बता रहा है, यानी सिमिलर साइज रहता है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको 50 करते हैं तो 131 से कुछ बनेगा। अगर हम इसको 30 करते हैं तो यहाँ पे 98 से बनेगा और इसको अगर हम 20 करते हैं तो यहाँ पे 78 से 120 के बाद बीच बनेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करते हैं और रिसाइज पे क्लिक करते हैं तो 87 KB का बनता है। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको रिड्यूस कर लिया था। इसके साइज को मैंने 300 KB से 68 KB में बना दिया है और यहाँ पे इसका जो है क्वालिटी में कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। चलिए फिर से आते हैं अपने डिजिटल सेवा बोर्डर पे और यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट में आधार रखेंगे। डॉक्यूमेंट पे हम सिंपली ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा पहले से डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, जिस वजह से मैंने अपलोड नहीं किया था। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया था, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है आपका, लिखा आ जाएगा कि आपका जो है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। क्योंकि अभी मैंने रिकॉर्ड करा था तो वीडियो जो है आधा बीच में ही रुक गया था, जिस वजह से वो शूट नहीं हुआ। तो आपको अपलोड कर देना है। अपडेट जैसे ही करेंगे ये जो है आपका अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद जो है CSC के द्वारा मिलने वाली सभी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। जो भी एक्स्ट्रा आपको मिलना है, लाइक अगर बैलेंस इंक्वायरी की बात कर ले या विड्रॉल की बात कर ले, तो उसके लिए ये जो KYC अपडेट है काफी ज्यादा काम करेगा। और अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का जो भी आपका अकाउंट है ना, उसको अपडेटेड रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इस वजह से KYC अपडेट भी आपका रहना चाहिए। तो यहाँ पे यही प्रोसेस था जिसको फॉलो करके आप KYC अपडेट कर पाएंगे और KYC अपडेट करना काफी ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।